हाट पिपलिया में आने वाले गांव डिंगोत सेवा सहकारी संस्था मर्यादित पर यूरिया खाद की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। किसान कई दिनों से यूरिया खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि सेवा सहकारी संस्था में दबंग लोगों की वजह से एवं वहां के कर्मचारी सहायक सेक्रेटरी धर्मेंद्र सेंधव, कंप्यूटर ऑपरेटर माड़क नायक, मीट सेल्समैन महेश जाट की मिलीभगत से छोटे किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह लोग अपने मिलने वाले एवं दबंग लोगों के कहने से एक परमिट पर 20 से 25 बोरी दे देते हैं, परंतु छोटे किसान गरीब अपनी फसल के लिए यूरिया खाद के लिए परमिट लेने जाते हैं तो उन्हें एक बोरी का बोलकर कहते हैं और फिर भी उन्हें एक बोरी भी नसीब में नहीं होती। वहीं कालाबाजारी करते हुए संस्था के कर्मचारी पैसे लेकर दबंग लोगों से डर से उनकी जितनी बोरी चाहिए उतनी दे देते हैं। किसानों का आरोप है कि पिछले दो दिनों में 1000 यूरिया की बोरी आई, लेकिन हम छोटे किसान कई दिनों से नंबर लगा रह कर बैठे हैं, फिर भी हमें एक भी बोरी नहीं दी जा रही है। किसानों ने कहा, यूरिया खाद, केरोसिन, गेहूँ, शक्कर, चावल, खाद्यान्न सामग्री आदि की कालाबाजारी बड़े ही धड़ल्ले से हो रही है, जिसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। आज किसानों द्वारा इसका जमकर विरोध किया गया। ये यहाँ की जनता इतनी परेशान है कि मतलब यहाँ पर खाद नहीं मिल पा रहा, खाद होते हुए मतलब किसानों को नहीं दे रहा। जो दबंग लोग है, जो लट वाले की भैंस होती है, उनको खाद दिया जा रहा है और एक एक परमिट पर 10-10, 15-15, 20-20 बोरी दी जाती है। और जो किसान का 15-15, 20-20 दिन से उनका जो पावती लगा हुआ है, उनका नंबर लगा हुआ है, 5-5, 6-6 दिन से परेशान है इंसान, और उसको खाद नहीं मिल रहा है। और परमिट बने तो कैसे बने परमिट? ये भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे। जब हम किसान का ऐसा नियम है कि जिस टाइम पे खाद बते उस टाइम पे परमिट बनाया जाए, 15-15 बहुत पहले से यहाँ के कर्मचारियों के सब मिली भगत है। इसका मतलब हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुबह से खड़े हम 7 बजे से, खाद नहीं दिया जा रहा है। एक बोरी भी नहीं मिली, एक बोरी भी नहीं मिली मेरे वापसी तक नहीं मिली। 3-3 बार खाद बटा, एक बोरी नहीं थी मेरे। चलो ठीक है।